दोस्तों, जिन लोगों को टाइम से पीरियड नहीं होता है, आज मैं उनको 8 ऐसे रीजन बताने वाली हूँ जिसकी वजह से उनको पीरियड्स का प्रॉब्लम हो सकता है, जिसमें से नंबर 1 है प्रेगनेंसी। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो हो सकता है इस वजह से आपको पीरियड्स ना हो रहे हों। दूसरा रीजन होता है स्ट्रेस लेना। क्या आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने से जैसे आपका हार्मोनल इम्बेलेंस हो जाता है, जिसके कारण आपको पीरियड ना होने का समस्या हो। दोस्तों, तीसरा रीजन है थायराइड। अगर जिन लोगों को थायराइड का समस्या है, थायराइड की बीमारी है, उन लोगों को भी इरेग्युलर पीरियड्स का प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। चौथा होता है, अगर आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम है, पीसीओडी की बीमारी में लोगों को पीरियड्स होने, पीरियड लैप्स होने में, 2-3 महीने के गैप में होने में, या फिर ब्लीडिंग कम होने जैसी समस्याएं हो सकती है। फिफ्थ रीजन हो सकता है फीडिंग। कई बार फीडिंग कराने की वजह से भी हार्मोनल इम्बेलेंस होता है, जिस कारण जो पीरियड्स है वो लेट हो सकते हैं। जो सिक्स्थ रीजन है वो है कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स। अगर आपने इस तरीके की किसी तरीके की पिल्स ली है तो इससे भी आपको इरेगुलर पीरियड या फिर पीरियड होने में देरी हो। सेवेंथ रीजन दोस्तों ये भी हो सकता है कि आपको जो ब्लड है, हीमोग्लोबिन है, उसकी मात्रा कम हो, इस कारण भी कई बार पीरियड्स लेट हो जाते हैं। और जो एट्थ रीजन है वो है वजन का तेजी से बढ़ना या घटना, या फिर किसी बीमारी से एकदम से उठना, जिस वजह से कमजोरी होती है और आपके पीरियड्स लेट हो सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई रीजन है तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं नॉलेज से, लेकिन अगर समस्या ज्यादा है तो दोस्तों डॉक्टर एडवाइस जरूर लें।